वुहान वायरस के बीच हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने हेतु भारत और अमेरिका ने एक बार फिर से दोस्ती का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए गश्त बढ़ा चुका है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों की सरकारों ने एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की डील में से कुछ हेलीकॉप्टर की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली 3 हेलीकॉप्टर को कुछ बदलाव के साथ भारतीय नौसेना को देने का निर्णय लिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले भी भारत ने अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के 24 सिकोर्स्की MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्ष 2023 से 2024 तक इन हेलीकॉप्टरों के आने की उम्मीद थी, पर अब जिस तरह से चीन अपने कदम बढ़ा रहा है उसे देखते हुए अमेरिका सतर्क हो चुका है और इस डील की पहली खेप जल्द से जल्द भारत को पहुंचाना चाहता है, जिससे भारत चीन को हिंद महासागर में टक्कर देने में सक्षम हो सके। अमेरिका हर हालत में भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक बढ़ाना चाहता है, जिससे वह चीन को रोक सके। इसके लिए अमेरिकी सेना अपनी इन्वेंट्री से 3 नई MH-60R सी हॉक्स हेलीकॉप्टरों को कुछ बदलाव के साथ भारत को सौंपने को राजी हो गया है। इसी के साथ इन हेलीकॉप्टरों में भारत की मांगों के अनुसार मॉडिफिकेशन का काम भी प्रारंभ हो चुका है और ये अगले वसंत ऋतु तक भारत को मिल जाने की आशा है। शेष 21 हेलीकॉप्टर 2023 और 2024 तक आने की उम्मीद है। सिकोर्स्की के नेवल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के निदेशक टॉम केन ने पत्रकारों को बताया, इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी वास्तव में उच्च प्राथमिकताओं में से एक थी। उन्होंने कहा, मैंने अनुरोध किया था कि विमान को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तत्काल आवश्यकता है। इन 3 MH-60 सी हॉक्स के जल्दी आ जाने से भारत को कई फायदे होने वाले हैं। चीन के विरुद्ध भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही साथ भारतीय नौसेना के पायलटों और इंजीनियरों को इन हेलीकॉप्टरों पर प्रशिक्षण का मौका, उन्हें विमान वाहक पोतों, विध्वंसक पोतों तथा पनडुब्बियों पर तैनात किए जाने से पहले मिल सकेगा। बता दें कि लॉकहीड मार्टिन की 24 सिकोर्स्की MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इंग्लैंड से वर्ष 1971 में हासिल किए गए पुराने तकनीक वाले सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह लेगा। इसे भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को ढूंढने और उन्हें खदेड़ने में आसानी होगी। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बियों पर हमले के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो हर मौसम में दिन के किसी भी समय हमला करने में सक्षम है। इनमें दो सबसे बड़ी खासियत है, पहला छिपी हुई पनडुब्बियों पर हमला करना और दूसरा एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर हमला करना। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन Mark 54 टॉर्पीडो दिया गया है जो पानी में छिपी पनडुब्बियों को निशाना बनाता है। चौथी जनरेशन का यह हेलीकॉप्टर आज की तारीख में पूरी दुनिया में नौसेना में काम आने वाला सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के प्रभाव को रोकना चाहते हैं और ऐसे में इस डील से दोनों ही देश के हित सधेंगे। चीन जिस तरह से लगातार कभी ताइवान, कभी फिलीपींस तो कभी हिंद महासागर में अपने पांव पसार रहा है और चोरी छिपे रिसर्च करने के बहाने अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात कर रहा है, उसे देखते हुए भारत और अमेरिका दोनों देशों ने चीन के इस बढ़ते कदम को रोकने हेतु ये शानदार कदम उठाया है। जब से वुहान वायरस ने महामारी का रूप लिया है तब से चीन अपनी हरकतों को भी बढ़ा चुका है और अब अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन को रोकना चाहते हैं। अमेरिका ने तो चीन के विरुद्ध जांच की मांग भी की है और कई देशों ने इस पर अपना समर्थन भी जताया है, लेकिन चीन को रोकने के लिए हिंद महासागर में उसके बढ़ते कदम को भी रोकना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को देखते हुए अमेरिका और भारत की सरकारों में ये शानदार समन्वय देखने को मिला और अब जल्दी भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर सिकोर्स्की MH-60R होगा।